सो हेलो नागपुरकर, आज के इस नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अम्बाझरी लेक, अम्बाझरी गार्डन में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपने जो है फुटाया लेक का जो है मल्टी मीडिया शो है शो देखा होगा, वैसे जो है अम्बाझरी गार्डन में भी भाई मल्टी मीडिया जो है शो होने जा रहा है। मतलब कि अभी जो है डेली शो होता है, तो इंस्टाग्राम पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो 200 करोड़ की लागत से जो है बनाया गया है। अभी हम आ चुके हैं गार्डन के अंदर में, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। हमारे साथ जो है सोनू भाव है, और भी लोग हैं जो बाहर में है, और वो भी वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ से भी हम जा रहे हैं, और यहाँ पर अभी लाइट चालू है। जब पिछले बार मैं आया था, आज का पहला शो है लागत से। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री जो है दिखाई जाने वाली है, जो कि 30 मिनट का होने वाला है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल एंट्री फ्री है ना। और यहाँ से समझ में नहीं आता कि एंट्री है या नहीं, लेकिन अंदर की वजह से आपको समझ में नहीं आता एंट्री है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एंट्री फ्री है। आप सीधा अंदर आ जाओ, आपको अंदर में जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूरी लाइटिंग जो है लगी हुई है। अम्बाझरी गार्डन के गेट के पास आना पड़ेगा उसके लिए। अम्बाझरी खुला ही दिखेगा, आप गार्ड से पूछ के अंदर जा सकते हो, है ना। हाँ, और आपको 7:30 बजे के पहले आना पड़ेगा। बराबर है। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अंदर में, और यहाँ पर जो है कुछ ही जगहों पर जो है लाइन से लाइटिंग करी गई है। बाकी जो है आजू बाजू में आप देख सकते हो कुछ भी लाइटिंग नहीं करी गई है। तो ये लाइटिंग को फॉलो करते हुए आपको जो है उस स्क्रीन के तरफ जो है जाना है, तो वहीं पर ही अभी हम जो है जा रहे हैं। तो उस तरफ है, तो उस तरफ थोड़ी देर में जो है शो चालू होने वाला है। अभी टाइम जो है सिर्फ 7:25 हुए हैं, और 5 मिनट जो है बचे हुए हैं। तो वहीं पर अभी हम जा रहे हैं। तो इस साइड में जो है स्क्रीन है, और यहाँ पर लाइन से लाइट किए गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे जो है पेड़ पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरा अंधेरा है आजू बाजू, पूरा अंधेरा। और इस बारे में ये कहाँ पे बताया गया कि चालू हो रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइट्स एंट्री। यहाँ से अभी हम आ चुके हैं अंदर में। यहाँ पर आप भाई देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है लाइन से, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियोज़ जो है ले सकते हैं, है ना। जरूर आ जाओ, आप विजिट करने आ जाओ सभी लोग। सभी लोग विजिट करने। अच्छा दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अंदर में, और इस साइड में लगी हुई स्क्रीन, और इस साइड में आप देख सकते हो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट जो है किया हुआ है। काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर शो देखने के लिए आए हुए हैं, और अभी कुछ ही देर में जो है शो चालू होने वाला है। तो वीडियो में जो है भाई एंड तक बने रहना, अभी थोड़ी देर में जो है मैं आपको पूरा फुल जो है शो दिखाने वाला हूँ। तो आइए करते स्टार्ट। सो दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जहाँ पर जो है शो दिखाया जाने वाला है। अभी पूरी लाइट जो है यहाँ पर बंद कर दी जाएंगी, उसके बाद जो है यहाँ पर शो चालू होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आर्टिफिशियल जो है लेक आपको देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जब यहाँ पर लाइटिंग चालू होंगी तो लेक पर भी जो है भाई रिफ्लेक्ट होगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also. ये आवाज मेरी है, पर ये बोल सिर्फ मेरे नहीं, इस वाणी को हजारों साल की विद्या ने तराश कर आकार दिया है। इस सोच में कई पीढ़ियों ने अपने रंग भरे हैं, इस कथा को युगों के ज्ञान मंथन ने रचा है। मैं केवल एक भिक्षुक हूं जिसे भिक्षा में ये अनोखी कथा कहने को मिली है। मैं केवल एक दूत हूं जो आज ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचाने के लिए यहां आया है। आप
मेरी इस कथा का प्रारंभ मेरे जन्म से पहले हुआ, जब मेरी माँ भुवनेश्वरी देवी ने काशी विश्वनाथ से एक पुत्र का दान मांगा। या शायद यह कथा उस वरदान से भी पहले की है। मैंने आपसे एक पुत्र मांगा था, आपने तो मुझे अपना एक शिवगन भेज दिया। स्वर्णमयी मेरे जीवन भाग्य को सबसे पहले मेरी माँ ने आकार दिया। अपनी व्याकुल प्रवृत्ति के कारण मैंने अपनी माँ भारी ली। मैं एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पाता था। नाम ही मेरे अस्थिर मन को शांत कर पाता, ये बात मेरी मां समझती थी और उन्होंने ही मेरी उत्तेजना को एक दिशा दी। जीवन को जानने, समझने और इसके आध्यात्मिक अर्थ को खोजने की दिशा। मां ईश्वर कहां रहते हैं? मेरे पिताजी श्री विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता में वकील थे। उनका काम उन्हें नए नए नगरों में ले जाना। उनके साथ मेरी सबसे सुनहरी यादें तब की हैं जब मैं उनके साथ रायपुर में था। उस समय रायपुर में कोई अच्छा विद्यालय नहीं था, तो पिताजी ने मेरी शिक्षा का दायित्व लिया और पिता के साथ साथ मेरे गुरु भी बन गए। उन्होंने मुझे सदा जिज्ञासु रहना सिखाया। वो मुझसे बार बार कहते, नरेन सवाल पूछो और उस सवाल का उत्तर खुद ढूंढो। एक छोटा सा सवाल पूछा था, मां ईश्वर कहां रहते हैं, और यह सवाल मेरे जीवन का साथी बन गया। क्या भगवान है? क्या किसी ने उन्हें देखा है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? अगर हां तो कैसे? मेरी खोज मुझे ब्रह्मो समाज के द्वार तक ले गई, जहां ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना जाता है, जहां भक्तों में कोई भेदभाव नहीं और भगवान की कोई मूरत नहीं। ईश्वर की यह परिभाषा मेरी समझ में तो आ गई, पर फिर भी ईश्वर के अस्तित्व को लेकर मन में जो प्रश्न थे वो मुझे परेशान करते रहे। तो एक दिन मैंने ब्रह्मो समाज के मुखिया से पूछा, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेन, तुम्हारी आंखें एक योगी की हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर भी मेरे इस मायावी प्रश्न का उत्तर न दे सके। बस इस एक सवाल का जवाब मैं अपने हर अनुभव में ढूंढता रहा।
Therefore, for what is here produced, I ask thy favor, trusting that thou wilt not deem the offering, though imperfect, premature. Kidneys sundar kavita heye. Versworth ne zamur ise ek divya chena me lika hoga. Jab vo, prakriti aur ishwar, tinon ek ho gaye honge. पर सर, क्या वर्तमान समय में कोई व्यक्ति इस अवस्था में जा सकता है, ईश्वर से एक हो सकता है? मैंने सुने है दक्षिणेश्वर में एक साधु है जो खाई दिनों थक ध्यान में रहते हैं और उस अवस्था में उन्हें अपने आसपास हो रही किसी भी घटना का कोई भी एहसास नहीं होता। मोनो चलो जो नेके तने मोनो चलो जो नेके तने संसार विदेश विदेशी रोबेशे भ्रमो केन करो क्या यही वो थे जिसकी बात प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने की थी? ये साधारण सा मनुष्य कैसे एक महान साधु होने का दावा कर सकता है? ये तो पाखंडी मालूम होता है। क्या ये ईश्वर से एक होने का मतलब भी समझते हैं? ये तो मुझे ही नर नारायण बुला रहे हैं। कहते हैं मैं लोगों का कष्ट दूर करूंगा, उन्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसे व्यक्ति पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं? कभी कभी दूसरे लोग आपको आपसे ज्यादा पहचानते हैं, बेहतर परख सकते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस जी ने मुझ में देखा वो मुझे नहीं दिख रहा था। जिस गुरु ने मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पहचानने में सहायता की, उस गुरु को मैं उस दिन पहचानने में असफल था। इधर मैं जीवन का सत्य खोजने में लगा था और उधर जीवन ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति और निराशा भरे प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? चैनी निराशा व्याकुलता के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मुझे भगवान शास्त्र अद्वैत वेदांत से अब कोई लेना देना नहीं। नहीं जानना मुझे कोई भी सच। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए। क्या आपकी ये काली माँ मेरे लिए इतना कर सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी काली माँ कुछ भी कर सकती है। तो कहिए इन्हें मुझे एक नौकरी दिला दे। तुम खुद ही क्यों नहीं मांग लेते इनसे, यही तो है वो। मांगी अपनी नौकरी? नौकरी नहीं, उनके सामने आकर मन जैसे भर भी आया और खाली भी हो गया। अच्छा, चलो चलो चलो, एक बार फिर से कोशिश करो। से अन्न स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, मैं एक सन्यासी हूं।
इस देश में कितनी सुंदरता, विविधता, कितनी क्षमता है, पर ये सब देश से छीन लिया जा रहा है। इस अपार शक्ति को मिटाया जा रहा है। मैं इसको फिर से उजागर कैसे कर सकता हूं? कैसे करूं अपने देश के युवा को प्रेरित कि वो अन्याय के विरुद्ध बिना डरे आवाज उठाए और आगे बढ़े? क्या मैं इस कार्य के लिए योग्य हूं भी या नहीं? अगर मैं भारत की युवा पीढ़ी को उनके भय का सामना करना सिखा सकूं, तो शायद हम सब मिलकर देश में एक नया बदलाव ला सकते हैं। पर मैं होता कौन हूं बदलाव लाने वाला? मेरे मन में कई शंकाएं थी, लेकिन हलचल के इस धुन में मुझे अपने गुरु और मां काली का आभास हुआ। मेरी राह मुझे साफ नजर आने लगी। उपनिषदों के हर पन्ने से मुझे शक्ति पुकार रही है, कह रही है मैं तेरे भीतर हूं, तो कुछ भी कर सकता है। खुद पर विश्वास रख, ये मत सोच कि तू निर्बल है। निर्बलता दुख, शक्ति ही आनंद है। निर्बलता विनाश है, शक्ति ही जीवन है। निर्बलता मृत्यु है, शक्ति भ्रमण। अपने अधिकार के लिए लड़, साहसी बन, शक्तिमान बन। अपना भार अपने ही कंधों पर उठा और ये मान ले अपने भविष्य का निर्माता तो खुद एक आदर्श उठा। अपने जीवन के नींव उस एक आदर्श पर, उसी को सोच, उसी का सपना। जैसे तड़कती हुई बिजली आकाश को उज्ज्वलित कर देती है, वैसे ही तू भी बाकी सब विचारों को त्याग कर अपने रगों को, अपने शरीर के हर हिस्से को उस एक आदर्श विचार से रोशन कर दे। यही सफलता का मार्ग। समाज का कल्याण तब तक संभव नहीं जब तक समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार न हो। पंछी कभी एक पर से नहीं उड़ सकता। वेदों और उपनिषदों में महिलाओं ने कई सत्य दर्शाए। उनके ज्ञान और प्रतिभा को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक पुरुष को मिलता है। मैं खुशी खुशी युवा पीढ़ी को एकत्रित कर उनमें वो भावनाएं जगा रहा था जिसकी देश को जरूरत थी। पर नियति ने मेरे लिए कुछ और भी सोचा था। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में किसको करना चाहिए? हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों को दुनिया के आगे सही दृष्टिकोण से कौन रख सकता है? हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पूरब और पश्चिम दोनों संस्कृतियों को समझता हो। हाँ, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सके। और कोई ऐसा जो हर टेढ़े सवालों का सीधा जवाब दे सके। मेरी कई गलत धारणाओं को मिटा दिया है स्वामी जी।
हमारे धर्म से जुड़ा सत्य आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। इस महान कार्य के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं है। भारत की आवाज को खोने मत देना। स्वामी, मेरी उपहार स्वीकार करो और जाओ। मैं दर दर जाके आपके लिए दान दक्षिणा मांगूंगा। आप बस अद्वैत का संदेश पश्चिमी संस्कृति तक पहुंचा कर आइए स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी तरफ से ये नए वस्तु स्वीकार कर मैं भक्ति भाव से ये घोषित करना चाहता हूँ कि जिस विवेक से आप अपनी बात कहते हैं और जो आध्यात्मिक आनंद बांटते हैं, उसके लिए सारा जग आपको स्वामी विवेकानंद नाम से जाने। स्वामी विवेकानंद की जय। अपने जीवन के उद्देश्य पर डटे रहना कोई साधारण कार्य नहीं है। इस राह पर कदम कदम पर कठिनाइयां थी। शिकागो पहुंचते ही पता चला कि मेरा सेशन अब 3 महीने बाद होगा। शिकागो जैसे महंगे शहर में अब मेरा गुजारा कैसे होगा? क्या भारत की बात दुनिया तक पहुंचाने के सपने पर पूर्ण विराम लग गया है? जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, क्या वो विश्वास अब टूट जाएगा? ये सवाल मेरे मन को कचोट रहे थे। पर जीवन अगर राह में रुकावटें लाता है तो उन रुकावटों को दूर करने के साधन भी साथ ही लाता है। तो बॉस्टन जाने वाली ट्रेन में मेरी भेंट मिस केट सटबॉर्न से हुई। एक अजनबी महिला जिन्होंने मेरी दुविधा समझी और मुझे प्रोफेसर राइट से मिलवाया। भारत देश का संदेश आगे बढ़ाने में प्रोफेसर राइट ने मेरी बड़ी मदद की। शिकागो में हो रहे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मुझे प्रयोजन पत्र दिया और वहां पहुंचने के लिए मेरा टिकट भी करवाया। अब मुझे लगने लगा कि शायद मैं अपने देश की आशाओं को पूरा कर सकूंगा। अजनबी देश, अजनबी भेस, अमरीकियों ने कभी किसी को इन कपड़ों में नहीं देखा था और वो मुझे हैरान आंखों से ताक रहे थे। मेरी मदद फिर एक संवेदनशील अजनबी मिसेस हेल ने की। शिकागो की सड़कों पर मुझे सहमा हुआ खोया हुआ देख उन्होंने खुद मुझे आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तक पहुंचाया, जहां पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस चल रहा था। उस विशाल हॉल में बैठे मैं भिन्न भिन्न देशों से आए बुद्धिजीवियों का भाषण सुन रहा था। मैंने फिर अपने भय को उभरते महसूस किया। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात शुरू कहां से करूं। तब मैंने एक गहरी सांस ली, अपने गुरु का नाम लिया, काली मां को याद किया और मैं समझ गया कि मुझे क्या कहना है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मैं तो ईश्वर के महासंसार का सिर्फ एक कण हूं, अपनी मातृभूमि का बस एक पुत्र, इस महागाथा का सिर्फ एक पात्र जिसे काल, स्थान, स्थिति और घटनाओं ने रचा है। कई नाकाम कोशिशों के बाद ही मैंने यही सच समझा है,
सुनो तो अपने अंतर मन की, करो तो अपनी करनी। जो कुछ भी मैं हूं या बन सकता हूं, सब मुझी से है, मेरे भीतर ही है। मन की गहराइयों से जो उत्पन्न हो वही है परम सत्य। हमारे देश को वीरों की जरूरत है, वीर बनो, पर्वत की तरह अपने सच पर अटल रहो, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। भारत की नई ज्वाला बनो, जो देश की रग रग में नया जोश भर सके। निडर बनो, बहादुर बनो, मौत सिर्फ एक बार ही आती है, बार बार कायर की मौत से बेहतर है एक ही बार मगर वीरों की मौत। भारत का उत्थान होगा शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मशक्ति से। हम भारतीय नफरत का विनाशकारी ध्वज नहीं, हर एक धर्म एक जाति प्रजाति के लिए शांति और प्रेम का ध्वज लहराकर साथ आगे बढ़ेंगे। जिस अंधविश्वास ने तुम्हारे मन को अंधकार से ढक दिया है, उस अंधविश्वास को खत्म कर दो। चलो हम सब निडर बने। मनुष्य में जो भी सिद्ध है शिक्षा उसी का स्वरूप है। शिक्षा केवल जाके प्रकाश से शुद्ध और समर्थ करता है। भारत के नौजवानों सत्य को समझने की कोशिश करो और सच्चाई की राह पर चलो। हमारा लक्ष्य भले ही हमसे दूर है पर चलो हम एक साथ जागे, एक साथ कदम बढ़ाए और तब तक करके जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवन पर डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी आपको, मतलब कि कमेंट में जरूर से बताना। और जल्दी आओ देखने के लिए। टाइमिंग तो मैंने आपको बता दिया है, 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का 30 मिनट का जो है शो रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।